हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और साइड में जो घंटी दी गई है ना उसे भी झट से दबा दीजिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम आपकी आवाज को उठा रहे हैं और लगातार आपके मुद्दों पर उन लोगों से सवाल पूछ रहे हैं जो सत्ता की गुलामी करने पर मजबूर हैं। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दी गई डोरबेल को दबाएं। हॉलैंड की मुसलमानों की सबसे बड़ी विरोधी कट्टरपंथी पार्टी के पूर्व सदस्य ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है। इस्लाम स्वीकार करने वाले जोराम वेन क्लोरेन का संबंध उसी कट्टरपंथी मुस्लिम विरोधी पार्टी से था जिसके प्रमुख गियर्ड वेडजन ने अपमानजनक कार्टूनों के मुकाबलों की घोषणा की थी। यूरोपीय न्यूज एजेंसी पॉलिटिको की रिपोर्ट्स के अनुसार डच रेडियो से बात करते हुए जोराम वेन क्लोरेन ने कहा कि वह इस्लाम विरोधी किताब लिख रहे थे जब उन पर इस्लाम की वास्तविकता स्पष्ट हुई और उनका दिल बदल गया। इसके अनुसार जोराम वेन क्लोरेन ने 2010 से 2014 तक इस्लाम विरोधी फ्रीडम पार्टी पीवीवी के सांसद रहे, किंतु 2014 में उन्होंने उस समय पार्टी छोड़ दी थी जब एक रैली के दौरान गियर्ड वेल्डर्स ने अपने समर्थकों से यह सवाल किया था कि वह नीदरलैंड में कम मोरक्को वासी देखना चाहते हैं या ज्यादा, जिस पर भीड़ ने कम कम के नारे लगाए। फ्रीडम पार्टी से अलग होने के बाद जोराम वेन क्लोरेन ने अपनी पार्टी की स्थापना की, किंतु 2017 के राष्ट्रीय चुनाव में उनकी पार्टी एक भी सीट ना जीत सकी, जिसके बाद उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। इस समाचार पत्र एनआरसी के प्रमुख फ्रीडम पार्टी के पूर्व सांसद इस्लाम के कट्टर विरोधी थे और कई अवसरों पर उन्होंने इस्लामी शिक्षाओं और पवित्र कुरान के विरोध भी बयान दिए। ताजा मुस्लिम जोराम वेन क्लोरेन ने अतीत में इस्लाम और पवित्र कुरान से संबंधित अपने अतीत के बयानों और शर्मिंदगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह पीवीवी की नीति थी, जो चीज भी गलत हो उसे किसी न किसी प्रकार से इस्लाम से जोड़ा जाए। याद रहे कि जोराम वेन क्लोरेन से पहले फ्रीडम पार्टी के पूर्व सदस्य आर्नोल्डो वेन ड्रॉन ने भी इस्लाम स्वीकार किया था। जोराम वेन क्लोरेन के इस्लाम स्वीकार करने पर आर्नोल्ड वेन ड्रन ने उन्हें ट्विटर पर बधाई देते हुए कहा कि मैंने ये कभी सोचा था कि फ्रीडम पार्टी इस्लाम स्वीकार करने वालों के लिए हरियाली जमीन बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज़।